सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे हैं R15 वर्जन 3 परचेज करने का, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ R15 के प्रोज एंड कॉन्स की, जानेंगे इसके अच्छाइयों के बारे में और बताऊँगा इसकी बुराइयों के बारे में भी। तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि बहुत सारे यूज़र्स आपको बताते हैं कि इसमें रिस्ट पेन होता है या फिर बैक पेन ये बाइक बहुत ज़्यादा देती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई R15 रिस्ट पेन देती है या नहीं देती है, बैक पेन देती है या नहीं देती है। आज का जो रिव्यू है दोस्तों वो रियल रिव्यू है और एक ऑनरशिप रिव्यू है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। जिन लोगों के पास नहीं है R15, उन लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा या फिर बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि R15 जो है वो रिस्ट पेन देती है या बैक पेन देती है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आपको रिस्ट पेन कब देती है, आपको बैक पेन ये बाइक कब देती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब आप इसको राइड करते हैं तो ये परमानेंटली आपको बैक पेन देगी या रिस्ट पेन देगी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि हम लोग प्रॉपर राइड करना नहीं जानते कि इन स्पॉट बाइक्स को किस तरह से राइड करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग बाइक पे बैठते हैं तो हमारा पूरा वेट आ जाता है रिस्ट पे, ठीक है, और यहाँ रिस्ट पेन हमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जब आप बाइक को लेकर निकलते हैं स्टार्टिंग में, तो मैक्सिमम मैं अगर बात करूँ ना तो 15-20 किलोमीटर तक आपको थोड़ा सा अजीब लगने वाला है, थोड़ा सा पेन आपको महसूस होने वाला है आपको अपनी कलाइयों में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे बाइक को राइड करते हैं 15-20 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है, तो भाई बाइक बन जाती है आपके लिए एक स्मूथ। और ऐसा मानिए कि जैसे 15 किलोमीटर चलाने के बाद आपको इस बाइक की आदत हो गई है, तो बिल्कुल भी पेन का पता नहीं चलता। तो मैं अगर मैक्सिमम राइड की इस पर बात करूँ तो मैंने कंटिन्यू इस पर 160 किलोमीटर्स की राइड की है गाइज, और बिल्कुल परफेक्टली मैं गया भी हूँ और वापस भी आया हूँ सेम डे, ठीक है। तो मतलब मेरे को नहीं पता चला कि कहाँ बैक पेन है या कहाँ पे रिस्ट पेन है। तो मैं आज जो आपको वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इसे 15 किलोमीटर राइड करते हैं उसके बाद का जो पेन है ना वो हो जाता है ख़त्म। बैक की अगर बात करें तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल मानता हूँ थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल तो है बाइक। तो फ्रेंड्स इसकी जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे पहले तो आपको इस पर सिंगल चलना होगा। अगर आप कोई बैग आपके पास है तो आप उसे साइड में उसे कहीं पर हैंग कर सकते हैं या माउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप राइड करते हैं ना 15-20 किलोमीटर, तो ना तो रिस्ट पेन रहता है और ना ही बैक पेन का आपको पता चलता है। हाँ थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा क्योंकि अब तक हम लोगों ने नॉर्मल बाइक्स राइड की हैं, तो इसलिए देखो थोड़ा सा तो फ़र्क लगेगा आपको। लेकिन जब आप इसे राइड करने लग जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं आने वाली है। दोस्तों ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर मेरे को इस बाइक को परचेज़ किए हुए हो गया है, ये चल चुकी है 1739 किलोमीटर, मैं इसे राइड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरे को फील नहीं होती है। 155 सेगमेंट में आपको ऐसी बाइक देखने के लिए नहीं मिल सकती, ठीक है। ये इसकी एक बहुत ज़बरदस्त कमी थी जो लोगों ने बताया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो R15 खरीदना चाह रहे हैं लेकिन नहीं खरीदते कि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। गाइज मुझे पता था बाइक अनकम्फर्टेबल है लेकिन फिर भी मैंने परचेज़ किया और आज मैं इसकी परफॉर्मेंस से, इसकी ड्राइविंग स्टाइल से और इसकी अग्रेसिव लुक से बहुत हैप्पी हूँ। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं गाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट बैक पेन कुछ नहीं देगी इतना आपको, आप परचेज़ कर लीजिएगा। दूसरा गाइज अगर एक जो मेरे को इसमें कमी लगती है दूसरी, वो लगती है इसकी बिल्ड क्वालिटी की, कि तकरीबन 2 लाख रुपये की बाइक और पूरी प्लास्टिक में डिज़ाइन की गई है ना। ये जो बिल्ड क्वालिटी है यार आप देख रहे हैं मतलब पूरा प्लास्टिक है। थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार 2 लाख रुपये डालने के बाद बिल्कुल प्लास्टिक, और प्लास्टिक भी बहुत हल्की वाली प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा हैवी प्लास्टिक नहीं है। अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये अंदर को दबेगी, ठीक है। जब आप अगर यहाँ पे हाथ रख के उतर जाएंगे ना तो ये भी अंदर दबता है ना। तो ऐसी प्लास्टिक मतलब थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कंपनी को काम करना चाहिए और इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करनी चाहिए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर। सीटिंग कम्फर्ट लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि जो राइडर सीट है वो फिर भी थोड़ी सी ठीक है लेकिन जो पिलियन सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी जो सबसे बड़ी
प्रॉब्लम बताते हैं ना वो यही बताते हैं कि ये बाइक रिस्ट पेन और बैक पेन बहुत ज़्यादा देती है। मैंने अभी आपको जो बताया ये लॉन्ग रूट के बारे में बताया कि जैसे ही आप 15 से 20 किलोमीटर ऊपर राइड करते हैं तो बाइक हो जाती है स्मूथ और आपको पता नहीं चलता है कुछ भी, ठीक है। लेकिन इस बाइक को अगर आप सिटी राइड में यूज़ करते हैं, मतलब ट्रैफिक में यूज़ करते हैं जहाँ बार बार आपको क्लच यूज़ करना है, गियर शिफ्ट करना है, तो अगर इस तरह की कंडीशन में आप इस बाइक को यूज़ करते हैं ना तो फ्रेंड डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सिटी राइड के मतलब कि ये बाइक बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है जब के जब आप ट्रैफिक में इस बाइक को यूज़ करते हैं या फिर आप इसे यूज़ करते हैं जहाँ रोड आपकी ख़राब हो। मतलब आप बार बार अगर आपको शिफ्टिंग करना पड़ रहा है ना गियर का, क्लच का, तो फिर आपका रिस्ट पेन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, हो सकता है आपको बैक पेन भी महसूस हो। ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिटी राइड में ये आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा थका सकती है। तो गाइस बात करें अगर पिलियन सीट की, तो मैं पिलियन के साथ इस बाइक को यूज़ करता हूँ, मेरी मिसिज इस पर बैठ के जाती है मेरे साथ और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं मैक्सिमम अगर बात करूं, मैंने प्लेन के साथ, वो भी लेडीज़ के साथ जो बाइक को राइड किया है, मैक्सिमम 80 किलोमीटर राइड किया है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 80 किलोमीटर में, कोई अनकम्फर्ट महसूस नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ और प्लेन को भी नहीं है। एक्चुअली लगता क्या है लोगों को कि जो प्लेन है वो राइडर के ऊपर ऊपर से पड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, क्योंकि राइडर जब इस बाइक को राइड करता है, आप मेरी पोजीशन देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अगर पिलियन यहाँ बैठने के बाद मेरी कमर पे गिरने की कोशिश करता है या मेरी कमर से लग के बैठने की कोशिश करता है ना, तो उसकी खुद कमर में दर्द हो जाना है गाइज। तो इसलिए इस बाइक पे जो पिलियन बैठता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठता है, वो हल्का फुल्का आपको बस यहाँ से पकड़ सकता है या यहाँ से पकड़ सकता है। एक सजेशन और देना चाहूँगा गाइज कि अगर आप प्लेन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से उसे कभी ना पकड़ने दें, बल्कि उससे बोले यहाँ से पकड़े वो आपको, क्योंकि जब यहाँ आपका प्रेशर पड़ेगा तो आपको रिस्ट पेन ज़्यादा आने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको इसे राइड कैसे करना है अगर आप रिस्ट पेन या बैक पेन नहीं चाहते हैं तो, ठीक है। आप इस तरह से बैठ गए अपनी बाइक पर, ठीक है, और ये जो जब आप यहाँ पैर रखेंगे ना तो आपको इस चीज़ से, थाई से अपनी से ये चीज़ प्रेस कर लेनी है, ऐसे दोनों थाई को, टैंक को ऐसे पकड़ लेना है पैरों से जमा के, ठीक है। तब आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, अपने हाथ को फ्री महसूस करेंगे आप, ठीक है। फिर आप हाथ अगर थोड़ा सा सीधा भी होना चाह रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ से जब आप प्रेस कर लेंगे पैरों से अपने इस टैंक को, यहाँ पे आप टैंक पैड भी लगवा सकते हैं ताकि आपके जो पैर हैं यहाँ लगाने के बाद स्लिप ना हो, तो तब आप थोड़ा सा फील करेंगे कि आपको जो रिस्ट पेन है वो कम हो रहा है। आपको यहाँ प्रेशर नहीं डालना है। सबसे बड़ी हम लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ प्रेशर डाल देते हैं, पूरा ऐसे बैठ जाते हैं, तो भाई रिस्ट पेन होना लाजमी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे राइड करना है आपको इस बाइक को कि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो, और बाकी तो सब ठीक है यार, बहुत ज़्यादा कमी नहीं है बाइक में। बस सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम लोग बताते थे इसमें वो इसका राइडिंग पोस्चर है, और ये राइडिंग पोस्चर ही इस बाइक को डिफरेंट बनाता है दूसरी बाइक से। तो दोस्तों बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा कंपनी ने इसमें यूज़ किया है। वाइब्रेक के ब्रेक लीवर आपको इसमें मिल जाते हैं और ड्यूल चैनल ABS आपको इसमें मिलता है। ABS बहुत हेल्प करता है आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब दोस्तों खुदा ना खास्ता आपको अचानक से कहीं ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ में बहुत यूज़फुल होता है जो हमारा ABS सिस्टम है, और कंपनी ने इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS दिया है, तो वो भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन कंपनी ने इसमें इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार और लुक देख लीजिएगा मेरी बाइक की, तकरीबन एक महीने से ऊपर हो चुका है। और हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हैं ना तो उसमें ये चीज़ आप ज़रूर इंसर्ट करा लें। ये देख रहे होंगे ये लेडीज़ फुटरेस्ट है, जो लेडीज़ साड़ियाँ पहनती हैं और एक साइड पैर करके बैठती हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, ये वाला नहीं ये वाला, ठीक है ना। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, वो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और बात कर रहा था मैं एक मीटर की कि मैं मीटर दिखाऊंगा आपको, तो ये देख लीजिएगा 1739 किलोमीटर लगभग मैं इस बाइक को राइड कर चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक मेरे को नहीं आई है। और राइडिंग पोस्चर का जवाब नहीं भाई, आपके 2 लाख रुपये तब वसूल हो जाते हैं जब इस बाइक को कोई बंदा मुड़ के देखता है, कोई बंदी मुड़ के देखती है, ठीक है ना, तो वहीं आपके जो पैसे हैं वो वसूल हो जाते हैं भाई।
ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज मैंने अभी इंसर्ट नहीं कराई है इसमें, और कराऊंगा धीरे धीरे यार, मतलब थोड़ी नई है अभी, मैं सोच रहा था अभी कुछ कारनामा ना किया जाए इसके साथ। तो ये देख लीजिएगा आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि R15 से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस बाइक से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। और जो लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं R15 और वो नहीं परचेज़ करना चाह रहे हैं इस वजह से कि बाइक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है या बैक पेन देती है या रिस्ट पेन देती है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार फिर से एक नई वीडियो में या एक नए व्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।